खबर लखनऊ से है, जहां बदला है मौसम का मिजाज। बेमौसम बारिश ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड। कई घंटों से रुक रुक कर हो रही है बारिश और बारिश ने बढ़ाई है ठिठुरन। और इसी के साथ प्राइमरी से 8वीं तक सभी स्कूलों को किया गया बंद। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम ने यू टर्न ले लिया है, बारिश ने ठिठुरन बढ़ाई दी है और ऐसे में प्राइमरी से 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। मौसम का यू टर्न का असर नजर आ रहा है लखनऊ में, जहां मौसम ने 8 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो कई घंटों से रुक रुक कर लगातार यूपी के कई जगहों में बारिश हो रही है, पर बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बारिश का कहर देखने को नजर आ रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के स्कूलों को बंद किया जा रहा है या कई ऐसे स्कूल भी है जिनके जो समय है उनको भी बदले जा रहे हैं। सुबह के स्कूलों की टाइमिंग चेंज की गई है, कहीं स्कूलों की जो टाइमिंग है वो 10 बजे से कर दी गई है। बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है, तो मौसम अलर्ट पर है, बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। ठिठुरन बढ़ गई है और खास बात यह है कि यूपी के लखनऊ में मौसम ने 8 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। बेमौसम बारिश ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं और वहीं मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए लोगों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी गई है और ऐसे में कई स्कूलों को बंद किया गया है। प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया। उत्तर प्रदेश में काफी जगह मौसम ने करवट ली है, पर बात यदि हम लखनऊ की करें तो लखनऊ में 8 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो बेमौसम बारिश ने कई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। रुक रुक के बारिश हो रही है, बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है, जिससे बच्चों को स्कूलों में जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्कूलों को बंद किया गया है और इसी के साथ प्राइमरी से 8वीं तक के भी कई स्कूलों को बंद किया गया। तो यूपी में बेमौसम बरसात का असर देखने को मिल रहा है। 8 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, कई घंटों से रुक रुक कर लगातार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आवाजाही ठप हो गई है। आप देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल में भी जाने में उनको दिक्कतें आ रही हैं, स्कूलों को बंद किया गया है। तो प्राइमरी से 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया है यूपी के लखनऊ में। लखनऊ में मौसम ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई घंटों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश को देखते हुए ठिठुरन भी बढ़ गई है, जिसे खास करके बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो लगातार मौसम का कहर पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है और ऐसे में बात सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मौसम ने करवट ले ली है। लगातार बारिश का माहौल देखा जा रहा है, रुक रुक के बारिश हो रही है, बेमौसम बरसात हम इसे कह सकते हैं। ठंड कहा जाता है कि 14 जनवरी के बाद ठंड जो है वो कम हो जाती है, पर ऐसे में बारिश का कहर नजर आ रहा है, बेमौसम बरसात हो रहा है। यूपी में लगातार रुक रुक के बारिश देखी जा रही है। खास करके लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी मौसम का कहर नजर आ रहा है। तो बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है, खास करके बच्चों को स्कूल में जाने में दिक्कतें हो रही हैं। प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो यूपी के लखनऊ में बेमौसम बरसात ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो यूपी में बारिश का कहर किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें में कि किस तरह से बूंदाबांदी नजर आ रही है और ये बूंदाबांदी का सिलसिला लगातार चल रहा है। रुक रुक के बारिश हो रही है और बारिश को देखते हुए काफी लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, कई दुकानें बंद है, लोग ऑफिस भी जा रहे हैं तो उसमें भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और ठंड बढ़ गई है। खास बात यह है कि मौसम ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
तो लगातार बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। और खास बात यह है कि बेमौसम बरसात लखनऊ में भी देखी गई। यूपी के कई जगहों में बारिश हो रही है, पर बात सिर्फ लखनऊ की करें तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लखनऊ में मौसम का कहर किस तरह से नजर आ रहा है। बेमौसम बरसात हुआ है और ऐसे बारिश ने ठिठुरन जो है वो बढ़ा दी है। प्राइमरी से आठवीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया है और कई ऐसे भी स्कूल हैं जिनकी टाइम को भी चेंज किया गया है। वैसे मौसम विभाग के हिसाब से पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। अनुमान लगाया गया था कि 16 जनवरी और 17 जनवरी को बारिश हो सकती है और आज 17 तारीख है और ऐसे में आज भी बारिश देखी गई। हल्की हल्की बूंदाबांदी का कहर नजर आ रहा है और ऐसे में ठंड भी बढ़ गई है।